नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने समस्याएं सुनी। युवा नेता परमानंद कुशवाहा ने वार्डो में जाकर सुनी समस्याएं। भाजपा द्वारा सभी मंडल स्तरों पर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। वर्ग में जानकारी लेने के पश्चात कार्यकर्ता यही जानकारी समाज के निचले तबके तक पहुँचाने में जुट गए हैं। रविवार को छतरपुर के युवा भाजपा नेता परमानंद कुशवाहा उर्फ काजू ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पीडी शर्मा, जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया, अर्चना सिंह और पूर्व ललिता यादव के मार्गदर्शन में शहर के वार्ड नंबर 17 बुंदेला बाबा कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास ओम साई राम होटल के सामने रहने वाले लोगों के साथ प्रशिक्षण वर्ग में मिली जानकारी को साझा किया। इस दौरान लोगों ने अपनी स्थानीय समस्याओं से भी अवगत करवाया, जिस पर काजू भैया ने कहा कि चूंकि पिछले समय में 16 माह के लिए कांग्रेस सरकार बन गई थी, इसलिए यह समस्याएं निर्मित हो गई हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे जनता के सेवक हैं और जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। छतरपुर जिला ब्यूरो, गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। काजू कुशवाहा, किस चीज के लिए आज जनसंपर्क किया गया, क्या लोगों की समस्या सुनेंगे? अभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और भाजपा पदाधिकारियों को भोपाल में बुलाया गया था, वहाँ पर बैठक हुई थी। वहाँ पर माननीय बीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी को मार्गदर्शन दिया था कि आगामी आने वाले चुनाव में किस प्रकार अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाए। इस प्रशिक्षण का वर्ग जो सटई में पड़रिया में लगा था ज्ञान सरस्वती मंदिर स्कूल में, वहाँ प्रशिक्षण में हम शामिल हुए और यहाँ छतरपुर में मिलाप गार्डन में भी प्रशिक्षण वर्ग चलाता है, यहाँ भी हम शामिल हुए। तो वहाँ पर जो प्रवक्ताओं ने और जो कार्यकर्ताओं ने जो उद्बोधन दिया, उस उद्बोधन को मतदाताओं को, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक, मतदाताओं तक पहुँचाने के लिए जो उनने मार्गदर्शन दिया था, उस मार्गदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए आज वार्ड नंबर 17 में मैंने घर घर जाके लोगों से संपर्क किया, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, लोगों की समस्याएं सुनी। वार्ड नंबर 17 में परिहार क्रेशर के पास गए, बुंदेला बाबा कॉलोनी में गए, रेलवे स्टेशन के सामने गए। इसके बाद आज हम लोग यहां आकर ओम साई राम होटल के सामने ब्रह्मदेव मंदिर में जाकर यहां पर हम लोगों ने मंदिर के ब्रह्मदेव अब्बा जी के दर्शन किए और हम लोगों ने जो है शहर में घर घर जाकर और मतदाताओं को जागरूक करने का संकल्प ले लिया है और प्रतिदिन हम लोग यही काम करेंगे। कौन कौन लोग आज जनसंपर्क में शामिल? जनसंपर्क में हमारे गिरिजा नामदेव जी हैं और चक्रेश मिश्रा जी हैं और हमारे पुजारी महाराज गणेश प्रसाद और मान साहब जी हैं और काफ़ी लोग साथ में हमारे साथ रहे। किस प्रकार की समस्या सुनी? समस्याएँ जैसे कि सर्वप्रथम लोगों की समस्याएँ हैं प्रधानमंत्री आवास संबंधी, तो लोगों ने बताया कि किसी की एक किस्त आई, किसी की दो आई, किसी की एक भी नहीं आई। तो उनको बताया गया है कि अभी जो है चुनाव सामने हैं और जैसे ही ये चुनाव हो जाते हैं तो लोगों की जो समस्याएं होगी आवास संबंधी और जो है किसी लोग पात्रता पर्ची संबंधी, लोगों की गल्ला की पर्ची नहीं बनी है, वो समस्याएँ सुनाई। कई लोगों ने पेंशनों की समस्याएँ सुनाई और कहीं पर रोडों में WBM हो चुकी हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ, गड्ढे पड़े हुए हैं और नाली निर्माण समस्याएं, सीसी रोड समस्याएं और पानी लाइन भी अभी कहीं के ऊपर नहीं बिछी है, तो पानी की समस्याएं भी बताई।